आप सभी का स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और हम खड़े हैं आज मारवाड़ी सेवा परिवार के सौजन्य से। आज हरियाली तीज के उपलक्ष में हमारे बीच माताएं बहनें उपस्थित हैं। आइए एक बार हम उनके द्वारा जानते हैं आज के प्रोग्राम के कार्यक्रमों के बारे में क्या क्या है और क्या है इसका उद्देश्य। तो आइए तो आज के प्रोग्राम के बारे में अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताइए। इस बार पहली बार हमारे मारवाड़ी सेवा परिवार ने तीज का प्रोग्राम रखा है, तो हम काफ़ी महिलाएं सब मिलके बहुत अच्छा झूम झुमाते हुए जोश के साथ में और इस प्रोग्राम को कितना सक्सेस हम कर सकते हैं वो हमारी सब महिलाएं साथ में है जोरदार कहने मतलब प्रोग्राम के साथ में। आज लगभग कितने माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हुई हैं? 200 से लेडीज एंड जेंट्स दोनों मिलके 200 से 250। कैसा लग रहा है आपको आज इस प्रोग्राम में उपस्थित होकर के? बहुत अच्छा लग रहा है, सबको देख के सजे धजे कहने मतलब उसका अनुमान नहीं लगा सकते कहने मतलब इतना मजा आ रहा है। आज क्या क्या कार्यक्रम रखा गया है आज के प्रोग्राम में? जैसे कॉमेडी है, डांस प्रोग्राम है, काफ़ी है, यही सारे प्रोग्राम्स हैं। इस प्रोग्राम्स को लेके हम काफ़ी उत्साहित हैं। धन्यवाद। आज के प्रोग्राम के उपलक्ष्य में आप औरों को क्या संदेश देना चाहेंगी अपना परिचय देते हुए? मेरा नाम आशा खंडोई है। आज हमारा मारवाड़ी सेवा परिवार की तरफ से तीज का प्रोग्राम हो रहा है। तीज का प्रोग्राम हमारा एक फेस्टिवल है जो हम महिलाएं करती है, इसमें व्रत भी होता है, तो इसमें हम लोग सारे मिलकर सामूहिक रूप से नाच गान करते हैं, मस्ती करते हैं, धूम धड़ाका करते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा से हो तो हम लोग ये चाहते हैं। 200 जन की गैदरिंग है तो खूब लाड़ चाव से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा इसमें प्रोग्राम है, कॉमेडी है, डांस है, तो देखिए कैसा होता है। सक्सेस तो होगा ही, लेकिन बस यही है कि सक्सेस करेंगे एकदम। हम लोग पूरे जोश से लगे हुए हैं, सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। 15 दिन से लगे हुए हैं। हरियाली तीज एक्चुअली किस भगवान के लिए माना जाता है? पार्वती जी, शंकर पार्वती के लिए। आपका? सुनीता तोशनीवन, शंकर जी के लिए माना जाता है, शंकर पार्वती जी के लिए। सावन के महीने होता है, स्टार्ट हो गया। मैं बना लगा, बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के, सबकी मुस्कुराहट और फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम हो। क्या नाम है आपका? मैं अंजना लड्डा। बहुत अच्छा, उत्साह के साथ सक्सेस हो ये प्रोग्राम हम चाहते हैं। हमारे दर्शकों को बताइए, आज हमारा मारवाड़ी सेवा परिवार का हरियाली तीज का प्रोग्राम है। यहाँ हमारे लेडीज और जेंट्स दोनों सदस्य है और हम लोग बाहर के गेस्ट भी इनवाइट किए हैं और सारा एकदम राजस्थानी थीम के हिसाब से सारा प्रोग्राम हो रहा है और सभी बाहर से भी आए और हम लोग के पूरे मेंबर आए हैं, सब आए हैं। और अब इसके बारे में कुछ अरुण जी विस्तार से बताएंगे। आपका परिचय? मैं विकास सराउगी, मारवाड़ी सेवा परिवार का एक मेंबर हूँ। गंदोई मारवाड़ी सेवा परिवार का उपाध्यक्ष, आज के इस कार्यक्रम के हमारे चेयरमैन है विकास जी सराउगी और सारे सदस्य हमारे लगे हुए हैं। शंकर भाई जी भी है, नीर पवन जी भी है, सब लगे हुए हैं जोर शोर से। विशेष करके महिला सदस्य इस कार्यक्रम को सार्थक करने में आज से एक महीने पहले से लगी हुई है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग तो इस प्रोग्राम में आने वाले भी नहीं थे कि हरियाली तीज लेडीज़ का प्रोग्राम होता है, लेकिन उन्होंने आग्रह किया, बोला हम लोग अगर झूला झूलेंगे, आप अगर नहीं झूलाएंगे तो हम लोग को आनंद नहीं आएगा। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर स्वार, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले, आनंद नहीं आएगा। और ये वास्तव में परंपरा ही है, हरियाली तीज में हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को झूला झुलाते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है, उसका फल 4 गुना और 10 गुना हो जाता है। इसलिए आज हम लोग प्रोग्राम में आए हैं, हम लोग पूरा सेवा परिवार इकट्ठा हुआ है, बाहर से भी जो भी इस कार्यक्रम में आना चाहे हम उनको आमंत्रित किए हैं, वो भी नॉमिनल रेट में 700 रुपये में खाना पीना सब उसके भीतर इंक्लूड है, सारा प्रोग्राम एक नॉमिनलाइज किया। और सभी से हमारा रिक्वेस्ट है, ये हरियाली तीज का कार्यक्रम अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए हम लोग इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा मारवाड़ी सेवा परिवार का प्रथम हरियाली तीज का कार्यक्रम है और हर साल हम लोग आदमी हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे और उम्मीद है जैसे जैसे प्रोग्राम
पति लेगा और 300 क्रॉस भी कर सकते हैं हम लोग। ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है, अपनी परंपरा को बरकरार रखो, अपने कल्चर को मत भूलो, अपनी जो भी संस्कृति है संस्कृति को बरकरार रखो। मारवाड़ी भाइयों से और जो भी अपने हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, तीज का प्रोग्राम अपने हर्षोल्लास से बहुत अच्छे से मनाएं, यही सद्भावना है। धन्यवाद। सबसे पहले आपकी पूरी टीम को आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है, आप भी मजा लीजिए। कहते हैं कि हिंदू धर्म में सावन का एक विशेष महत्व है। सावन का जब महीना आता है तो सावन का हरियाली हरियाली बिखरती है, और हरियाली का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, राधा जी से है। तो उसको इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई आज यहाँ मारवाड़ी सेवा परिवार के सदस्यों के द्वारा। आपको यहाँ आकर लगेगा कि आप कभी आप वृंदावन में हैं तो कभी खाटू जी में हैं, तो कभी आप सावन के झूले में हिडोले रह रहे हैं, तो कभी आप पूर्ण गगन की ऊंचाई को खोज रहे हैं जो हिंदू धर्म में बहुत अक्सर देखने को मिलती है। तो ऐसा जो है तो ऐसा जो सामंजस्य यहाँ मारवाड़ी सेवा परिवार ने सजाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है हमारी महिला सदस्यों का जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये कार्यक्रम सजाया है, और हम पुरुषों को यहाँ पर अपने आमंत्रित सदस्यों के रूप में बुलाया है। आज हम भी मजा ले रहे हैं, कार्यक्रम उनका है, मजा हम ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे ये मारवाड़ी परिवार में हरियाली तीज का अलग ही एक महत्व है। शिव पार्वती जी से रचा गया ये हरियाली तीज आज घर घर में ये मनाया जा रहा है। तो हम लोग मारवाड़ी सेवा परिवार, इसको सिंधारा भी बोला जाता है, तो सिंधारा के रूप में हम लोग ने मारवाड़ी सेवा परिवार ने हरियाली तीज मना रहे हैं, और हमारी महिलाओं ने माता बहनों ने बहुत मतलब एक भागीदारी जो है उनकी बहुत सराहनीय है, और बहुत उत्सुकता ये देखी जा रही है। बताइए वो आज के इस समय में क्या संदेश देना चाहेंगे आप औरों को? देखिए, हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हरियाली तीज का ये मौके में जो आनंदता से जो घर भरपूर हो, शिव पार्वती का आशीर्वाद सबके घर में भंडार भरा रहे, यही हमारी बहनों ने खूब उत्साह से इसको कार्यक्रम को किया है, और आने वाले दिनों में और भव्य तरीके से इसको करने की हम लोग चेष्टा रखेंगे। और आगे के विवरण हमारे राजेश जी हैं, हमारे एडवोकेट राजेश जी, उनसे आप लीजिए। हाँ जी, मेरा नाम अशोक कुमार माड़दा, अध्यक्ष मारवाड़ी सेवा परिवार। नमस्कार भैया, नमस्कार, धन्यवाद। ये हमारी, मैं राजेश अग्रवाल मारवाड़ी सेवा परिवार का एक सदस्य हूँ। भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति का यही एक आनंद और लुप्त है कि यहाँ त्योहारों की और आनंद की कमी नहीं है। आप देख रहे होंगे हमारे भाभियाँ, हमारी बहनें आज जो उत्साह उमंग से तीज के त्यौहार को मना रही है, ये हमारी सनातन संस्कृति में ही संभव है। जो आनंद और उत्साह की कमी नहीं है, त्यौहारों की कमी नहीं है हमारे देश में। ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारा संदेश यही है, देखिए, खुश रहने का बहाना ढूंढिए, उदास होने के तो हज़ार बहाने हैं। हमारी कोशिश भी यही है कि देखिए, आमतौर पर जो है हम लोग तो बाहर निकलते रहते हैं, हमारी भाभियों को हमारी बहनों को कम मौका मिलता है, और आज तो आप देख रहे हैं कि उत्साह उमंग की कोई कमी नहीं है, और इतना अच्छा प्रोग्राम मारवाड़ी सेवा परिवार ने सजाया, और यह पहला प्रयास है इनका, और इतना अच्छा से सजाया है कि शायद हम इसको प्रोग्राम को हम सर हर साल कंटिन्यू करेंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। मारवाड़ी सेवा परिवार सिलीगुड़ी ने सावन के महीने में हरियाली तीज महोत्सव का भव्य आयोजन बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ महिलाओं के द्वारा मनाया गया। इसकी खूबसूरती तब और बढ़ गई जब इसे राजस्थानी रंगों में सराबोर देखा गया। सेवक रोड होटल टूरिस्ट इन में आयोजित इस कार्यक्रम की आकर्षण देखते ही बन रही थी। आयोजन स्थल पर राजस्थानी साज सज्जा का क्या कहना, वहां लगा झूला सभी को अपनी ओर आकर्षक बन आकर्षण का केंद्र बिंदु बना रहा। सभी अपने प्रियजनों के संग झूले पे झूलकर आनंदित हो रहे थे। मारवाड़ी सेवा परिवार सिलीगुड़ी के सदस्यों के अलावा बाहर से आए अतिथि भूरी भूरी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। इस मौके पर मनोरंजन भरपूर खेल के अलावा गीत संगीत के साथ अविश्वसनीय अभिनय भी जबरदस्त रहा।